नमस्ते, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा प्रेजेंटेशन पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी बातें कवर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। लेकिन आप प्लेबैक स्पीड फास्ट करके, डबल करके आप सुन सकते हैं या फ्री टाइम में आप सुन सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि हमारा फार्म नागपुर से 14 किलोमीटर दूर है, और अब तक सारा जो मशरूम हम कल्टीवेट करते हैं वो ड्राई करके हम कर्नाटका या वेस्ट बंगाल भेज देते हैं। लेकिन अब तक मैं नागपुर में इसको सप्लाई नहीं कर पाया। मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाने का उद्देश्य है कि मैं नागपुर में ओएस्टर मशरूम का पॉपुलैरिटी और बढ़ाऊँ। पूरे प्रोडक्शन के लिए हमको 3 साल हो गए। मैं 3 साल से ओएस्टर मशरूम के प्रोडक्शन में, मिल्की में भी हूँ और मैं पैडी स्ट्रॉ भी करता हूँ। लेकिन वेस्टर्न मशरूम का जो टेस्ट है, उस वजह से मैं ये चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये नागपुर में एक बड़ा बिजनेस है, अनटच बिजनेस है रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए, और इसमें रिटर्न बहुत आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा वीडियो देख लें एक बार, जब भी आपका फ्री टाइम हो। और मैंने कोशिश किया हूँ कि मैं जितनी बातें ऑब्ज़र्व किया, मैंने नोटिस किया अभी तक, वो आपके सामने शेयर करूँ। तो मैं प्रेजेंटेशन से आगे बढ़ता हूँ। चलिए, थैंक यू। मैं पहले आपको ओइस्टर मशरूम की टाइप बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है वाइट फ्लोरिडा, फिर आता है इसमें ग्रे सजर काजू, पिंक ओइस्टर आता है, ब्लू आता है, येलो आता है, जिसमें ज़्यादातर कल्टीवेशन वाइट और ग्रे का होता है, सजर काजू और फ्लोरिडा का। हमारा भी प्रोडक्शन कल्टीवेशन सजर काजू और फ्लोरिडा का ही है। और मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये अब तक पॉपुलर क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन अपने महाराष्ट्र में नहीं है ओएस्टर मशरूम का, जितना नॉर्थ में है और साउथ में है। उसका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास रहता है वो सिर्फ यही रहता है कि हम उसको ड्राई करें और कहीं से मंगाए, बाहर से, महाराष्ट्र से। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, ये डिश पॉपुलर शायद इसलिए नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो कल्टीवेटर जो प्रोडक्शन करके जो भेजते हैं ड्राई, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कुकिंग की। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं इसको पिन पॉइंट कर पाया हूँ कि ये किस वजह से इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये थे ओएस्टर के टाइप, जिसमें से हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं वो फ्लोरिडा और सजर काजू का करते हैं, ग्रे एंड वाइट का। हमारा फार्म है 3,000 बैग का सेटअप का। एट अ टाइम एक बैच में हम 3,000 बैग लगाते हैं। टेस्ट वाइज मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन इन नागपुर ने इसको टेस्ट नहीं किया है अभी तक। लेकिन टेकूड़े के बारे में आप जानते हैं, टेकूड़े अगर आप बरसात में आपने देखा होगा या टेस्ट किया होगा, ओएस्टर मशरूम बिल्कुल क्लोज टू टेकूड़े है। टेकूड़े जितने महंगे बिकते हैं और लोग जितना ख़रीदते हैं, उतना ओएस्टर मशरूम नहीं खरीद पाते। कारण सिर्फ यही है कि मशरूम के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं है। टेस्ट वाइज ये बिल्कुल टेकूड़े के जैसे रहता है, और हेल्थ बेनिफिट आप नेट पे चेक कर सकते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। अभी जो मिड डे मील मिलता है स्कूल में, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि हफ्ते में एक बार उनको मशरूम डिश में बना के दी जाए। टेस्ट
टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा है, क्लोज टू नॉन वेज रहता है बिल्कुल, पर ये प्योर वेज है। और जिस तरीके से मशरूम रेस्टोरेंट में आप कोई डिश प्रिपेयर करते हैं, तो ये प्रिपरेशन के बारे में तो किसी भी रेस्टोरेंट के कुक को बताने की ज़रूरत नहीं रहती है कि वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। बस इतना है कि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर इसका एक्सपोजर कम रहने की वजह से लोग इसको ख़रीदने से पता नहीं या खाने से भी उनको ऐसा लगता है कि ये टेस्टी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट एक्चुअल को करना नहीं चाहता, न्यू डिश की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। तो टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा है, मैं 3 साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी बार खा चुका हूँ, सारी वैरायटी खा चुका हूँ, लेकिन टेस्ट वाइज मुझे सबसे ख़राब बटन मशरूम लगा है जो मार्केट में बिकता भी है। बटन मशरूम का टेस्ट और ओयस्टर मशरूम का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। ओयस्टर मशरूम खाते टाइम ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल नॉन वेज खा रहे हैं। और एक और मशरूम है पैडिस्ट्रा मशरूम, जो ओयस्टर से भी ज़्यादा टेस्टी है, पर वो पैडिस्ट्रा मशरूम का जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत कम है, वो एक ही दिन का है। तो उसका कल्टीवेशन करना और उसको सप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बिकता है, वेस्ट बंगाल साइड में, और वहाँ पे फ्रेश खाना ही पसंद करते लोग, तो वो वहाँ पे सेल आउट हो जाता है। यहाँ के बारे में पैडिस्ट्रा और ओयस्टर के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहने की वजह से उसका सेलिंग एस्पेक्ट थोड़ा कम है। तो पैडिस्ट्रा इससे ज़्यादा टेस्टी है, पर प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ एक दिन की है, आप उसको ड्राई भी नहीं कर सकते। और हेल्थ बेनिफिट के बारे में आप किसी भी वेबसाइट पे, चाहे किसी कंपनी के हो या गवर्नमेंट के हो, ओयस्टर के हेल्थ बेनिफिट्स आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने किसी को ओयस्टर मशरूम, जैसे उन्होंने मुझसे मांगे फ्रेश या ड्राई, और फ्रेश और ड्राई में कोई फ़र्क नहीं है एक्चुअली। फ्रेश आपको मिल जाएगा, आप बना सकते हैं, ड्राई को भी आपको सिर्फ उबालना पड़ता है 10 मिनट और वो फ्रेश जैसा हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मैंने फेस किया हूँ सबका, वो यही पूछते रहते हैं कि ये वेज है क्या, ये वेज है क्या, ये वेज है क्या। तो ओयस्टर मशरूम प्योर वेजिटेरियन फूड है और हमारे फार्म पे फुल्ली ऑर्गेनिक है, कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है फुल्ली ऑर्गेनिक है, कोई ऐसा पेस्टिसाइड और केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। और लोगों को एक मिथ है कि ये नॉन वेज में आता है, यानी जिसने अब नहीं टेस्ट किया, जिसने नहीं देखा, इनफैक्ट देखा भी नहीं है किसी ने नागपुर में, काफ़ी सारे लोगों ने देखे भी नहीं है, उनको ऐसा यही सवाल में से पूछते हैं कि ये वेज है क्या। ये 100% वेज है और 365 डेज़ ये कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वगैरह नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आगे एक स्लाइड बोलूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये इसका सेलिंग कैपेसिटी, इसकी सेलिंग कैलिबर, इस डिश में जितनी सेल आउट होने की क्षमता है, जितना बिजनेस है इसमें, शायद बहुत कम दूसरी डिश में है नॉन वेज के अलावा। तो मैं स्टैटिस्टिक्स भी दूंगा आगे, मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पूरा वीडियो देखें। सप्लाई एंड एडिबल पोर्शन, ये मैं पहले जैसे मैंने हिंट दिया था, मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो एडिबल पोर्शन है ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, थोड़ी जो बायर्स हैं उनके साथ चीटिंग हो जाती है, जो इसको सेल करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ करना चाहते हैं, उनके साथ भी ये थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज रहने की वजह से उनको समझ में नहीं आता है कि ये डिश अच्छी क्यों नहीं बन रही, अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो। एक्चुअली जो ओयस्टर मशरूम है वो लीफ जैसा निकलता है, उसमें पत्ते रहते हैं, एडिबल पोर्शन सिर्फ वो पत्ते ही है।
लेकिन वो पत्ते नीचे जहाँ जिस जगह अटैच रहते हैं, एक ऐसा लंप जैसा रहता है, वो एडिबल नहीं है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो लीफ है वही एडिबल है, लेकिन जो कल्टीवेटर है वो आपको केजी के हिसाब से बेचता है, चाहे वो फ्रेश बेचे या ड्राई। अब होता क्या है इसमें कि अगर मैं कहीं से मंगवाता हूँ ओइस्टर मशरूम ड्राई, मैं ड्राई करके ही मंगवा सकता हूँ, मैं फ्रेश नहीं मंगा सकता, क्योंकि ड्राई करने के बाद भी वो आधा 10 मिनट उबालने के बाद वो फ्रेश जैसा ही हो जाता है पूरा। तो बेटर है कि मैं ड्राई मंगाता हूँ। लेकिन जो मुझे सप्लाई कर रहा है वो इसमें थोड़ी सी चीटिंग टाइप करता है कि आपको लीफ के साथ वो नीचे का जो पोर्शन है वो भी आपको ड्राई करके दे देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो नीचे का पोर्शन है जिसमें वो लीफ अटैच रहती है, वो पकता नहीं। आप उसको कितना भी पका लो, 1 घंटा पका लो, कुकर में पका लो, वो पोर्शन पकता नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं खाने बैठूँ तो वो चपता भी नहीं है, वो च्यू नहीं हो पाता है। लेकिन ये सप्लायर का एक फ़ायदा कर देता है, ये उसका वेट बढ़ा देता है, और वेट बढ़ने की वजह से उसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो पूरा पोर्शन है लीफ के साथ और जहाँ पे लीफ अटैच है, ये सिर्फ़ एक ही जगह काम आता है, वो है आयुर्वेदिक कंपनी में जो आयुर्वेदिक दवाई बनाती है। और दूसरी जगह जो काम में आता है वो आता है प्रोटीन पाउडर बनाने के, जो जिम वगैरह में प्रोटीन पाउडर जाता है वो उसको ग्राइंड करके पाउडर बना के। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि वो किचन में नहीं पक सकता। किचन में आप उसको पकाने जाएंगे तो आपको उसको आधा पोर्शन काटना पड़ेगा, और सिर्फ जो लीव का पोर्शन है वही आपको पकाना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी डिश बन के सामने आती है। वो अदरवाइज़ फिर वो डिश पूरी ख़राब हो जाती है। तो मैंने नोटिस किया, मैंने बाहर से मंगवाया भी हूँ ड्राई, तभी मुझे समझ में आया है कि ये लोग इस तरीके से भेजते हैं। जो एक ले मैन जिसको ओइस्टर के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, वो इसको ले लेता है, उसको नहीं समझ पाता वो कि नीचे का पोर्शन हार्ड है और ये पकेगा नहीं, और वो उसी तरीके से पकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिश वैसी बन नहीं पाती। अगर आप सिर्फ लीफ को पकाएंगे तो अगर कोई लीफ सप्लाई करेगा तो फिर वो महंगा करेगा आपको, कॉस्टली, थोड़ा कॉस्ट बढ़ा के देगा आपको, क्योंकि उसको किसी तरीके से भी वो उसको बेचना नहीं पुराएगा, 1000-1200 में भी नहीं देता दे सकता वो। तो ये जो बात है, मैंने जैसे बोला था कि इसका टेस्ट बिल्कुल टेकुड़े जैसा है, टेकुड़े में फेंकने वाला पोर्शन बहुत कम रहता है, नीचे की जो उसकी ब्रांच रहती है, जो उसका मेन जहाँ पे मशरूम लगता है स्टेम, वो स्टेम भी एडिबल रहती है। ये एक छोटा सा फ़र्क है, जैसे मैंने आपको पैडी स्ट्रॉ के बारे में बताया था, पैडी स्ट्रॉ की स्टेम भी एडिबल रहती है, पक जाती है, लेकिन ओइस्टर मशरूम में उसकी जो स्टेम है जहाँ पे वो लीफ अटैच है वो पक नहीं पाती। और ये लोग, अगर मैं ड्राई मशरूम मंगाऊँ कहीं बाहर से, तो ये 101% अगर वो 1000 रुपये में भी, 1000 रुपये केजी भी दे रहा है, तो भी वो मुझे वो नीचे के पोर्शन के साथ देगा। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और अपन समझ नहीं पाते। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप कहीं से भी मंगाएं ट्राई, लेकिन जो लीफ पोर्शन है बस मुझे वही चाहिए, जो नीचे का हार्ड पोर्शन रहता है वो उसमें अटैच नहीं चाहिए। अब इसमें क्या हो गया है कि हम लोग, मेरा जो सारा मशरूम बाहर जाता है वो शायद इसीलिए सेल आउट हो पाता है क्योंकि मैं उसमें नहीं करता, हम लोग वो स्टेम इंक्लूड नहीं करते, हम लोग सिर्फ लीफ का जो पोर्शन है वही ड्राई करते हैं कट करके, शायद वो इसीलिए बिक भी जाता है। लेकिन फिर मुझे रेट भी बढ़ाना पड़ता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि नॉन वेज और मशरूम में रेट का फ़र्क नहीं है,
लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको ज़्यादा पैसा देके जाता है। तो मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको बताऊंगा कि ऑयस्टर मशरूम अगर आप प्रेजेंट करते हैं रेस्टोरेंट में किसी भी तरीके से, कोई डिश में या ड्राई या चाइनीज़ आइटम में, तो आपको इसका रिटर्न बहुत हाई है। उसी तरीके से जैसे हम, मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सप्लाई करने की कमिटमेंट कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं वो नीचे का पोर्शन आपको लीफ के साथ निकाल के दे दूँ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि वो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट रह नहीं पाएगा। तो ये इसमें एक ऐसी जानकारी है जो होना बहुत ज़रूरी है कि ऑयस्टर मशरूम के लिए आपको कितने पोर्शन एडिबल रहता है, कितना पोर्शन एडिबल नहीं रहता है। इनफैक्ट मैंने नीचे का पोर्शन पकाने की कोशिश भी किया था बनाने की, लेकिन मुझे पता चला अगर मैं 2 घंटे भी उसको पकाऊं तो पकता नहीं है, तो वो एक्चुअली पूरे डिश का टेस्ट ख़राब कर देते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं से भी लें, आपका जो लीफ है, ऑयस्टर मशरूम का जो लीफ है, वो लीफ जो पत्ता है उसका, आप उसकी उसी की डिमांड करें। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बताऊँगा कि जो भी आपको लीफ देगा, सिर्फ लीफ, जो एक क्वालिटी मशरूम का प्रोडक्ट रहता है, जो जिसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, जिसकी डिश बहुत अच्छी बनती है, वो आपको वो रेट में नहीं देगा जो आपको पहले, वो ज़्यादा बढ़ा के लेगा रेट। मैं इस स्लाइड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फैमिली अगर आउटिंग के लिए जाती है, मेरे फ्रेंड्स अगर मैं आउटिंग के लिए जाता हूँ, तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वो डिश खाऊँ जो मेरे घर पे ना बने। ये सारी मैंने जो मेरी जो स्टडी है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। और ये ओबियस है, मैं कहीं भी बाहर जाके कुछ खाना चाहता हूँ तो मैं ऐसी डिश खाता हूँ जो मैं रेगुलर मोड पर घर पर नहीं खाता। अब मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी रेस्टोरेंट में जाके बैंगन की सब्ज़ी ऑर्डर किया हो या भिंडी की सब्ज़ी ऑर्डर किया हो। तो ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये ऐसी डिश है जो नॉर्मली घर पे नहीं बनती। उसका रीज़न जो मैं पीछे बता चुका हूँ वही है, एक तो इसका प्रोडक्शन का मैं जानकारी नहीं है, इसका एक्सपोजर नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है इतने आसानी से जितने आसानी से ये दूसरी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, वेजिटेबल। और एक एक्साइटमेंट रहता है जब मैं बाहर निकलता हूँ, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ एक नई डिश। इसका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू ये है सबसे बड़ा कि इसका टेस्ट नॉन वेज के बिल्कुल क्लोज़ है। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और शनिवार आता है, सैटरडे आता है, मैं नॉन वेज नहीं खा पाता हूँ, तो मैं ज़रूर से मशरूम ऑर्डर करूँगा, ऑयस्टर मशरूम ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं नॉन वेज नहीं खा रहा। टेस्ट में और उसके एक्सपीरियंस में ये बहुत क्लोज़ है चिकन मटन के, पर मैं टोटली वेज खा रहा हूँ, मैं कंप्लीटली वेज फूड है, वेजिटेरियन डाइट है। तो एक एक्साइटमेंट जो रहता है कि मैं बाहर जाके कोई नई डिश का ट्राई करूं, उसमें दो प्रॉब्लम आती है, एक तो ये अवेलेबल नहीं है और दूसरा मैं रेस्टोरेंट पे, ये अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में इजीली, और दूसरा मैं इसको घर पे लाके भी नहीं बना सकता क्योंकि ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। बाकी डिश प्रिपेयर करना, तैयार करना, ये किसी रेस्टोरेंट के कुक को बताना तो मेरी बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि वो तो वैसे ही मास्टर रहते हैं कुक ना, कोई भी डिश को टेस्टी बनाने में। तो इसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर एक बात बोलता हूँ कि सेलिंग एस्पेक्ट जो है इसका, कि अगर मैं मेनू में देखता हूँ कि मशरूम है, तो मैं उसको एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं बाहर निकलता ही हूँ कोई नई चीज़ खाने के लिए और टेस्टी चीज़ खाने के लिए। मैं किसी रेस्टोरेंट को विज़िट ही करता हूँ इस वजह से कि मैं कोई नई डिश ट्राई करूँ, ये इसका एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। प्राइस विल नॉट मैटर फॉर दैट,
कोई भी अगर नई डिश ट्राई करता है तो उसके लिए प्राइस मैटर नहीं रखता है। प्राइस तो अब रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट डिफ़र करेगा, आप जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको एक स्लाइड बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं स्टैटिस्टिक्स दूंगा आपको कि अगर आप ये प्रेजेंट करते हैं तो किसी रेस्टोरेंट को कितना रिटर्न है, उसका रिटर्न बहुत हाई है। फ्री टू ईट ऑल डेज, मेरे बोलने का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा आप अगर रेस्टोरेंट के ओनर हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब मैं एग्ज़ाम्पल आपसे साउजी का ले लेता हूँ। अगर मैं साउजी किसी नागपुर के किसी साउजी में जाता हूँ, ये स्लाइड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं किसी साउजी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहाँ पे वेज तो है ही नहीं, और मैं अगर सैटरडे को नहीं खाता हूँ, ट्यूसडे को नहीं खा पाता हूँ, मंडे को नहीं खाता हूँ, थर्सडे को नहीं खाता हूँ,
लेकिन किसी वजह से मेरे फ्रेंड्स आ गए, मेरा एक गेट टुगेदर हो गया, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि मैं साउजी जाऊँ, साउजी के अलावा मैं दूसरी जगह ट्राई करूँगा, मेरे पास साउजी जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ऐसे रेस्टोरेंट में जाऊँगा जहाँ पे वेज मिलता है, और फिर मैं वही रेगुलर डिश जो हर रेस्टोरेंट में मिलती है वो मैं ऑर्डर करता हूँ, जिसमें एक सबसे ज़्यादा चलने वाली डिश है दाल। मैं एक दाल ऑर्डर करता हूँ, एक सब्ज़ी ऑर्डर करता हूँ, और दैट इज़ ऑल, मेरा खाना हो जाता है। लेकिन अगर मैं और कुछ ट्राई करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाता। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे नॉनवेज मिलता है मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। ऐसे बहुत से हैं कस्टमर जो 3 दिन बोलो या किसी त्यौहार की वजह से नॉनवेज नहीं खाते हैं। काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है इसकी, लेकिन ये एक डिश ऐसी रहेगी जो इस वैक्यूम को फिल कर देगी। अब मैं साउजी का एग्ज़ाम्पल लेने की बात किया था, अब आप साउजी का एग्ज़ाम्पल ले लो। अगर साउजी में मेरे लिए मशरूम, वो वेजिटेरियन डिश ऑयस्टर मशरूम बना के देता है, तो 100% फिर मैं साउजी में जाऊँगा, फिर वो सैटरडे रहो, ट्यूसडे रहो, थर्सडे रहो या मंडे रहो, या इवन फॉर दैट मैटर कोई त्यौहार रहो, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेजिटेरियन डिश है। वहाँ जाके नॉन वेज ही खाना है ऐसा कोई कंपल्शन तो नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये रहेगा कि मेरे सारे जो वेजिटेरियन दोस्त हैं, जितने भी वेजिटेरियन दोस्त हैं, मैं उनको भी लेके जा सकता हूँ। और जो ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने आज तक नॉन वेज की वजह से साउजी टेस्ट नहीं कर पाए, साउजी का जो टेस्ट है, साउजी मसाले की ग्रेवी का जो टेस्ट है, वो नॉन वेज की वजह से वो नहीं कर पाए, वो साउजी में मशरूम के साथ उसका टेस्ट और उसका प्लेजर ले सकते हैं। ये एक ऐसा वैक्यूम है जिसको फिल किया जा सकता है। रेस्टोरेंट को बहुत फ़ायदा है इसमें। एक लॉन्ग टर्म में आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो किसी रेस्टोरेंट में नॉनवेज की वजह से जो कस्टमर नहीं आते हैं बाकी दिनों में, वो आने लगेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि मैं वेज खा सकता हूँ यहाँ पे, या कोई दूसरे रेस्टोरेंट में, क्यों साउजी भी नहीं, सारे रेस्टोरेंट में भी आप वेज कस्टमर की जो काउंट है वो आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मैंने भी साउजी की बात किया तो मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ। थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे तो एक साउजी में वेजिटेरियन कस्टमर नहीं आता, वो एंटर ही नहीं करता। दूसरा, वेजिटेरियन कस्टमर साउजी में एंटर नहीं करने का कारण ये है कि उसके लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली किसी रेस्टोरेंट, जो साउजी जैसे रेस्टोरेंट है, उनका बहुत बड़ा लॉस है। शायद कभी इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मुझे समझ में आता है जब मैं स्टैटिस्टिक डेटा निकाला हूँ, मैं थोड़ी सी स्टडी किया हूँ, मुझे समझ में आया कि ये रेस्टोरेंट का तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जो वेज कस्टमर है वो आता नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई त्यौहार है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, सैटरडे है, और मैं नॉनवेज खाता हूँ तो भी मैं साउजी नहीं जाता, इस दिन मैं साउजी नहीं चलता। कोई त्यौहार है तब भी मैं साउजी नहीं जाता। थर्ड पॉइंट, ऐसे बहुत से हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ, जो खुद बाहर नॉनवेज खाते हैं लेकिन उनके घर में नहीं चलता। मतलब ऐसे आपके भी दोस्त होंगे, सभी के दोस्त हैं, वो बाहर खाते हैं खुद लेकिन उनके घर में वो नॉनवेज नहीं लेके जाते हैं। इस वजह से शायद उनके घर के लोगों ने, उनकी फैमिली मेम्बर ने कभी साउजी को टेस्ट ही नहीं किया होता है कि साउजी को लगता कैसे है। मैं अभी स्पेसिफिक साउजी के लिए बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट तो ये सारे ऊपर, सारे रेस्टोरेंट के ऊपर हो सकता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घर साउजी लेके ही नहीं जा सकते, वो बाहर ही खाते हैं।
अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए कि अगर मैं उसमें से हूँ कि मैं बाहर का नॉनवेज खाता हूँ, मैं घर नहीं लेके जा सकता, तो मैं एक डिश फिर ले जा पाऊँगा। इनफैक्ट जैसे मैं नॉनवेज खा लिया और मैं पार्सल घर मशरूम की सब्ज़ी लेके जा सकता, मैं मशरूम डिश में लेके जा सकता हूँ। और अगर घर के लोग भी वेज हैं तो उनको एक हल्का सा आइडिया आ जाएगा, जिन्होंने नॉन वेज कभी नहीं खाए, जिन लोगों ने नॉन वेज कभी नहीं खाया उनको भी हल्का सा आ जाता है आइडिया कि एक्चुअली नॉन वेज टेस्ट कैसे करते हैं बिना नॉन वेज खाए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर साउजी जितने सेंटर है नागपुर के, अगर ये डिश को आप प्रमोट करें, आप इसको रेगुलराइज करें, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा आपके पार्सल जा रहे हैं वहाँ पे। तो जो लोग है ट्यूसडे आपका सेल कम नहीं होने वाला है, साउजी जैसे नॉन वेज सेंटर का थर्सडे आपका सेल कम नहीं होने वाला है, सैटरडे आपका सेल कम नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉन वेज नहीं चलेगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो इसको खाने के लिए साउजी में आएंगे, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि वो पार्सल भी लेके जाएंगे जो वो आज तक आपके साउजी से घर नहीं लेकर गए पार्सल, क्योंकि उनके घर पे नॉन वेज नहीं चलता, नॉन वेज नहीं खाते। तो थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझेगा कि ये बहुत बड़ा वैक्यूम है जहाँ पे बिज़नेस क्रिएट किया जा सकता है, जहाँ पे एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है। बस इतना है कि थोड़ा सा अवेयरनेस अगर आ जाए, जो कि मेरे प्रेजेंटेशन का उद्देश्य ही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ऐसा अवेयरनेस अगर आ जाए तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपका कितना बड़ा बिज़नेस है जो अनटच्ड है, अभी तक उसको किसी ने टच नहीं किया है, वो इतना बड़ा लॉस है। जो पैसे आपके पास आ सकते हैं वो आ नहीं रहे। तो बाकी आप कैलकुलेशन कीजिए, मेरे हिसाब से तो नॉन वेज के साथ अगर वेज देंगे तो साउजी जैसे डिश दोनों ही साइड दोनों तरफ से चल सकती है। नॉन वेज से में तो वो तो चलती है नॉन वेज के लिए, लेकिन वेज के लिए भी चल सकती है। और एक एक यूनिक डिश, एक यूनिक टेस्ट, एक बहुत अलग टेस्ट है इसका, बहुत टेस्टी है। एक यूनिक डिश जो मार्केट में एक कॉमन मैन जाके ले ही नहीं सकता है, वो आपके यहाँ अवेलेबल रहती है। तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि कोई इसको प्रमोट करे अपने साउजी सेंटर पे या होटल में, तो जो पार्सल की संख्या है वो बहुत बढ़ जाएगी, पार्सल लेने वाले काफ़ी लोग रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई मेहमान किसी के घर पे आता है और मुझे उनके लिए कुछ डिश प्रिपेयर करने का है या कहीं से पार्सल लेकर आने का है, तो मैंने नोटिस किया हूँ सिवाय उसके पास पनीर के अलावा और कोई डिश बचती नहीं है। पनीर एक ऐसा आइटम है जो मेहमान में और स्पेशल ओकेशन पे कोई बनाना प्रेफर करता है, लेकिन अगर कोई मेहमान बाहर से आया है तो पनीर उसके यहाँ भी मिलता है। और पनीर के बारे में अभी इतना न्यूज़ में और ये सब आता है कि पनीर ओरिजिनल नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेहमानों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी स्पेशल ओकेजन पे सिवाय पनीर के और कोई डिश ही नहीं है किसी के पास। अब वो मशरूम बना सकते हैं लेकिन ये लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोकल मार्केट में सिर्फ बटन मशरूम अवेलेबल है जो इतना टेस्टी मुझे नहीं लगा, मैंने उसको भी कंज्यूम किया हूँ, लेकिन बटन मशरूम और बाकी जो मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ है, ओइस्टर है, मिल्की है, ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी है बटन मशरूम के कंपैरिजन में। लेकिन बटन मशरूम ही है अवेलेबल मार्केट में, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है किसी के पास। अब इतने क्वालिटी हेल्थ बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है ओएस्टर मशरूम के बारे में, जैसे मैंने बोला आप नेट पर पढ़ सकते हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट कितने हैं, लेकिन ये सब रहने के बावजूद भी, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहने के बावजूद भी ये लोकल मार्केट में इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन सारा या तो मैं साउथ भेज देता हूँ या मैं नॉर्थ में भेज देता हूँ।
और ये रेगुलर बेस पे जाता है। फार्म का जो हमारा ये वीडियो जो बनाने का उद्देश्य ये है कि फार्म कैपेसिटी है हमारी 5000 बैग की, लेकिन अभी तक हम लोग 2000 3000 ही बैग लगा पाए एक बैच में। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्शन में और बढ़ाऊँ, और नागपुर के जो पब्लिक है, नागपुर के जो लोग हैं, वो भी इसको टेस्ट करें। इतना क्वालिटी और इतना हेल्थ बेनिफिट वाला फूड नागपुर में कल्टीवेशन होता है, तो नागपुर के लोगों ने उसको टेस्ट करना चाहिए। प्लस पॉइंट ये भी है कि ऐसे डिश को प्रमोट करने की वजह से जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है वो ऑलमोस्ट डबल होता है। ये स्टैटिस्टिक्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा, जो मेरे जानकारी में जैसा रहेगा वैसे स्टैटिस्टिक्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे इस स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने घर पे भी ये बनाया हूँ सिंपल तरीके से, जिस तरीके से एक कॉमन सब्जी बनती है, कॉमन डिश प्रिपेयर होती है घर पे, उसका वीडियो भी हमारा अपलोडेड है चैनल पे। मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे वो है वेस्टर्न मशरूम नागपुर के नाम से। उसमें आपको कल्टीवेशन फार्म के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। 1 किलो 2 किलो अगर आप मंगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, आपको दूसरी चीज़ें प्रिजर्व करके रखने के लिए फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक कोल्ड स्टोरेज लगता है आपको। जैसे मैंने नॉन वेज मंगा लिया, पनीर मंगा लिया, या चिकन मंगा लिया, अंडे मंगा लिए, मुझे इसको स्टोर करने के लिए अलग से एक फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मशरूम अगर आप ऑर्डर करते हैं 1 किलो 2 किलो, इसको आपको स्टोर नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज कर सकते हैं आप। ये ख़राब नहीं होता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है, सेल्फ़ लाइफ इसकी 1 साल के ऊपर है। 1 साल क्या है, मैं तो 1 किलो 2 किलो कोई रेस्टोरेंट 1 महीने में 15 दिन में ही ख़त्म कर लेगा। और सिर्फ एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है अगर आप मशरूम ऑर्डर करते हैं कहीं से, इसको ओपन नहीं रखना पड़ता है, इसको किसी पॉलिथीन बैग पीपी बैग में पैक करके रखना पड़ता है, इसको हवा नहीं लगने देना पड़ता है। हवा लगने की वजह से ये मॉइस्चर गेन कर लेता है वापस, और फिर उसमें वो नरम हो जाता है। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर अगर वो गेन कर लेता है तो फिर उसमें अलग से फंगस लग जाती है। प्रिकॉशन सिर्फ इतना ही है कि आपको इसको खुला नहीं रखना है, पैक रखना है। रेस्टोरेंट में जब आप इसको ऑर्डर कर लेते हैं तो आपको इसको सिर्फ 10 मिनट बॉईल करना पड़ता है। कभी भी आप डिश प्रिपेयर करेंगे, जैसे किसी का ऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो वो जैसे प्रिपेयर करके रखते हैं, वैसे आपको बॉईल करके इसको प्रिपेयर करके रखना का है। एक बार आपने बॉईल भी कर लिया, जैसे आपने अभी 100 ग्राम बॉईल कर दिया या 200 ग्राम बॉईल कर दिया, तो वो बॉईल भी ख़राब नहीं होता है 2 दिन, लेकिन फिर इसको फ्रिज में रखते हैं। फिर आपको उसको बॉईल करने के बाद उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। जब तक आप उसको बॉईल नहीं करते तब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रह सकता है। रेस्टोरेंट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि एक मशरूम लेके आप 10 डिश प्रिपेयर कर सकते हैं, वो तो कुक के ऊपर है, वो जितनी चाहे उतनी मर्ज़ी डिश प्रिपेयर कर सकता है, चाइनीज़ आइटम भी वो बना सकते हैं। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा सारे रेस्टोरेंट से कि अगर आप एक कट आउट, एक छोटा सा बैनर 1.5 फीट बाय 2 फीट का, या एक डिस्प्ले आप अपने रेस्टोरेंट में लगा लेते हैं, 100-150 रुपये का प्रिंट होता है वो, तो मेरे हिसाब से ये प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो गया, ये काफ़ी हो गया। एक दिन में 20-25 प्लेट मशरूम का ऑर्डर आपको लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। छोटा सा प्रमोशन अभी आप कर लेंगे तो भी ये बहुत है। जो ये छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉन वेज के साथ ही मैं कंपेयर करता हूँ क्योंकि मशरूम कटेज बहुत क्लोज़ है नॉन वेज के।
इनफैक्ट बटन मशरूम का टेस्ट इतना क्लोज़ नहीं है जितना आप मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम या पैडी स्ट्रॉ मशरूम का आप टेस्ट कंपेयर करेंगे तो ये वेरी क्लोज़ रहता है चिकन मटन के। तो मैं एक महंगे प्रोडक्ट के साथ ही आपका कंपैरिजन करूँगा। इसका स्टैटिस्टिक्स, इसका कैलकुलेशन जो है सिंपल है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप भी कर सकते हैं। 1 किलो मटन होता है 600 रुपये का, 3 किलो हो जाएगा 1800 का। 1 केजी में 5 प्लेट बना सकते हैं आप मैक्सिमम, तो 3 केजी में बन जाएंगे 15 प्लेट। 15 प्लेट अगर आप 400 की देते हैं तो 6000 रुपये आते हैं। 6000 में से अगर आप 1800 रुपये मटन के निकाल लेते हैं तो 4200 बचते हैं। उसके बाद आप 1200 रुपये अपना खर्चा निकाल लीजिए, कुक का है, किचन का है, ऑयल का है वगैरह, गैस का है, तो आपके पास 3000 रुपये 3 किलो के बाद सेल आउट होने के बाद 3000 रुपये बचते हैं। इसी तरीके का अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन चिकन का कर लेंगे तो 1 केजी चिकन अगर मैं गावरानी चिकन लेता हूँ तो 400 रुपये का है, और मैं 4 किलो अगर लेता हूँ तो वो हो जाएगा 1600 का। इनफैक्ट मैं 5 किलो ले लेता हूँ वो हो जाएगा 2000 का। 2000 में आपकी एक केजी में अगर आप 5 प्लेट बनाते हैं तो 5 प्लेट के आपके 25 प्लेट हो जाएंगे, 5 किलो के आपके 25 प्लेट हो जाएगी। 1 प्लेट अगर आप 400 रुपये की बेचते हैं तो 1 प्लेट अगर आप 200 की बेचेंगे, 400 की नहीं बेच सकते चिकन की, अगर आप 1 प्लेट 200 की बेचेंगे तो आपके पास आते हैं 5000 रुपये। 5000 रुपये अगर आप 200 के रेट से देते हैं तो 5000 में से आप 2000 रुपये उसका निकाल लीजिए चिकन का प्राइस, आपके पास 300 बचते हैं। 300 में से आप 1200 निकाल लीजिए, आपके पास 3000 में से आप 1200 निकाल लीजिए तो आपके पास बचता है 1800। तो 5 किलो मटन बेचने के बाद आपके पास 1800 रुपये बचते हैं। मैं इसी तरीके से मशरूम का आपका कैलकुलेशन करूँगा कि 2000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 1 केजी के पीछे कितना अर्न करते हैं। मैं मशरूम का स्टैटिस्टिक्स, मैं डेटा अलग स्लाइड पे देता हूँ। 1 केजी मशरूम जो है वो है 2000 का। मैं ये क्वालिटी मशरूम की बात कर रहा हूँ, ये वो मशरूम नहीं है जो आप प्रोटीन पाउडर और आयुर्वेदिक कंपनी को सप्लाई करते हैं। इसमें आपको मिलेगा 1000 ग्राम। 1 प्लेट में आपको 20 ग्राम लगता है, 20 ग्राम मशरूम लगता है आपको 1 प्लेट बनाने के लिए। 20 ग्राम मशरूम जब आप बॉईल करते हैं तो वो 1 प्लेट प्रेजेंट करने के लिए रेस्टोरेंट में काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉईल होने के बाद 3 गुना साइज़ में बढ़ जाता है। तो 20 ग्राम अगर आप देंगे तो इस तरीके से आप 1000 ग्राम में 50 प्लेट बना पाएंगे। 50 प्लेट अगर आप 200 की भी देते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप 250 की भी दे सकते हैं। मिनिमम 200 रुपये की भी आप देते हैं तो आपके पास 10000 आते हैं। 10000 में से यही आप 2000 मशरूम के और 1200 माइनस कर दो, यू आर लेफ्ट विथ 6800 नेट प्रॉफिट। ये लगभग आप मटन भी प्रमोट करेंगे तो आपको इतना नहीं मिलता है, चिकन भी प्रमोट करेंगे तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है, ड्राई मशरूम अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत हाई है। ये सिंपल कैलकुलेशन है मेरे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ अभी 3 साल में, कि इतना अच्छा एडिबल प्रोडक्ट रहने के बाद भी वो रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं है, शायद सप्लायर नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है। और मेरा एडवांटेज ये है कि हमारा फार्म बहुत बड़ा है, 5000 4000 4500 बैक का सेटअप है, तो मैं इसको अपने फुल कैपेसिटी तक लेके जाना चाहता हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी कमिट करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको क्वालिटी प्रोडक्ट ही दूँगा, मैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं दूँगा जो एडिबल नहीं है। उसमें के कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप टोटल मशरूम कंज्यूमेबल नहीं है, जितना कंज्यूमेबल है मैं वही आपको सप्लाई करूँगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप 250 रुपये की प्लेट
250 रुपये की प्लेट अगर आप प्रेजेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन टेस्ट एंड अदर फैसिलिटीज़, तो ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और बढ़ जाता है। तो प्रमोशन में काफ़ी फ़ायदा है आपका भी, जो मैं सप्लाई करूँगा रेगुलर बेस पे उन मेरा भी, और द कस्टमर विल हैव अ न्यू डिश टू टेस्ट एट योर प्लेस। तो मैं फाइनल स्टेज पे हूँ अपने प्रेजेंटेशन के। थैंक यू।